जहाँ कही पूरा करने दिगरे प्रधानमंत्री बड़ पदक्षेप सीमा सुरक्षा क्षेत्र में सेना को दिगला अधिक बल ना भारत भूईं पहुंची पार हथियार ना निशा द्रव्य आतंकी बड़ आक्शन नब एवं बीएसएफ केन्द्र गृह मंत्रालय बड़ निष्पत्ति पर देशर सुरक्षा बल अधिक मजबूत हो 21वीं सदी के भारत की सैन्य ताकत को हम हर लिहाज से आधुनिक बनाने में जुटे हैं, एक से एक आधुनिक हथियारों से लैस करने में जुटे हैं, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जा रहा है। 21st सेंचुरी सेना है अत्याधुनिक जहाँ कही पूरा करने दिगरे प्रधानमंत्री बड़ पदक्षेप सीमा सुरक्षा क्षेत्र में सेना को दिगला अधिक बल भारतीय सीमा आड़ को आखि उठाई पारे एवं शत्रु ना भारत भूईं पहुंची पार हथियार ना निशा द्रव्य आतंकी बड़ आक्शन नेब एवं बीएसएफ अंतर्जातीय सीमा थिबा देशर तीन राज्य को अधिक सुरक्षा देव बीएसएफ केन्द्र गृह मंत्रालय ए दिगरे एवं बड़ पदक्षेप नहीं बीएसएफ रो अधिकार को वृद्धि करा जाय छी सेना अधिकारी मानन को दिया जाय छी अधिक पावर द प्रेजेंट टेरिटोरियल लिमिट व्हिच वाज ऑफ 15 किलोमीटर्स इन सम ऑफ द स्टेट्स सो नाउ दैट हैज बीन इंक्रीज्ड टू 50 किलोमीटर्स सो नाउ दे कैन गो एंड सर्च सीज एंड मे बी अरेस्ट बियॉन्ड दोस प्रेजेंट बॉर्डर्स इट इज इन जनरल बिकॉज द बॉर्डर इज सेंसिटिव फॉर अस इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंटरनल सिक्योरिटी therefore it's not just the western border but also the eastern border so we are sensitive about that and I would say it's just a mix of all the idea is basically to curb all transborder crimes ebe kari paribe boro search operation giraf ebong jabat ta sohito crpc dhara re karyanushtan passport act ebong bharat ku pravesh pai kada niyam ityadi khetra re bsf ku diya jai chi adhik khyamata hamara sabse jo pavitra district hai wo 35 kilometer hai वो भी कवर हो गया और उस तरनतरन भी हो गया और गुरदासपुर और बटाला भी बीच में आ गया और इधर फिरोजपुर से लेके मोगा तक ये सारे जितने बड़े शहर हैं ये आज के बाद बीएसएफ के अंडर होंगे और सेंटर के अंडर होंगे आसाम पश्चिम बंग एवं पंजाब को लगी भारत पाकिस्तान एवं भारत बांग्लादेश सीमार अंतर्जातीय सीमार भारतीय अंचल भितर 50 किलोमीटर पर्यंत चढ़ाऊ एवं गिरफ पाई गृह मंत्रालय अनुमति देछि पूर्वर यह परिसर 15 किलोमीटर मध्य यह व्यतीत तो बीएसएफ नागालैंड मिजोराम त्रिपुरा मणिपुर एवं लद्दाख में मध्य संधान करी गिरफ करबा पाई क्षमता पाई छी 10 किलोमीटर का एरिया बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने तो और भी अच्छा है अगर इसमें कोई गलत एलिमेंट्स आएंगे ड्रग्स आएंगे या वेपन्स आएंगे जैसे आजकल ड्रोन का सिस्टम चला हुआ है तो अच्छी बात है कि सिक्योरिटी के लिहाज से पब्लिक को फायदा होगा जो ये डिसीजन है बिल्कुल अच्छा है क्योंकि कुछ दिनों से बहुत ज्यादा पाकिस्तान ने जो एक्टिविटीज है वो बढ़ाई है खासकर हमारे इलाके में पहले बताया था जो टनल वगैरह ज्यादा मिली है उसके अलावा जो ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है वेपन्स के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल है ड्रग्स जो है सबसे बड़ी खासकर पंजाब में अभी धीरे धीरे जो है अभी मैंने देखा कश्मीर में भी थोड़ा फैलना शुरू हो गया है ये तो बहुत अच्छा है चाहे 50 से 100 किलोमीटर हो डर तो उसी को जो चोर है इसलिए सबको फायदा इसका सबडे केंद्र गृहमंत्री कहते सीमा सुरक्षा नहीं आगुरु केवल आलोचना करा हेले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिशा निर्देश में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भली पदक्षेप नि देशर सीमा सुरक्षा दिगरे एवं से ही सीधा एक्शन न समय कई सालों से हमारी सीमाओं को लांघ कर आक्रांता यहां आते थे अलग अलग प्रकार की घटनाएं करते उग्रवाद फैलाते थे और दिल्ली के दरबार से एक निवेदन के अलावे कुछ नहीं मगर जब पूंछ में हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए कश्मीर की सीमा पर हमला हुआ और हमारे जवान मारे जिंदा जला दिया और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक करकर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़खानी सबडे केन्द्र गृह विभाग रही बड़ पदक्षेप को आसाम सरकार स्वागत करिछि आसाम मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा कहते देशर जातीय सुरक्षा बल को अधिक मजबूत करिबो हेले सेना को अधिक क्षमता देवा निष्पत्ति को विरोध करिछंती पंजाब कांग्रेस और किसी आंचलिक दल ब्यूरो रिपोर्ट आर्गस न्यूज़।